दो दिन पहले अकोला में पुलिस भर्ती फॉर्म भरने में हो रही दिक्कतों को लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश विद्यार्थियों ने जताया था। खास तौर पर गांव में रहने वाली युवतियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ये दिक्कतें फॉर्म भरने में ही हो रही थी, क्योंकि दिन भर सर्वर डाउन रहा था, जिसे लेकर वो काफी चिंतित थी। यहां तक कि उन्होंने आत्महत्या की बात तक कह दी थी। एमकेएन न्यूज की ने इन विद्यार्थियों की आवाज बनकर जो है खबर राज्य सरकार तक पहुंचाई। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस भर्ती फॉर्म की तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर अब 15 दिसंबर कर दी है, जिसको लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई गई। संवाददाता शाहिद इकबाल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सभी ने आभार व्यक्त किया। हम मौजूद है अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर, जहां पर पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षणार्थी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी काफ़ी समस्याएं थी फॉर्म भरने को लेकर। और हमारे चैनल के माध्यम से, एमकेएन के माध्यम से जो एक आवाज़ बनके उभरी थी, आज राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता से दखल ली है और 15 दिसंबर तक इसकी अवधि बढ़ाई है। आइए हमारे बीच में मतलब बहुत ही उत्साह भरा माहौल है, क्योंकि फॉर्म की डेट आगे बढ़ चुकी है और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। अब डेट आगे बढ़ने की वजह से बहुत मतलब खुशी हो रही है हम सबको कि हम भी मतलब फॉर्म भर पाए, 4-1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसा हुआ। तो ये थे एक विद्यार्थी जो अपने उत्साह को इस चैनल के माध्यम से बता रहे थे। आइए ऐसी और जानते हैं, हम क्या लगता है आपको, किस तरह का ये रहा आपके लिए? वो हम 4 साल से मेहनत कर रहे थे, तो उस टाइम में जब फॉर्म भरना था तो सर्वर डाउन रहता था हमेशा, तो 50% जो महिला पुरुष जो फॉर्म है 50% ही गए थे और 50% जो रह गए थे जो खेड़े मतलब खेड़े से बिलोंग करते लड़कियाँ, तो वो नहीं जा पाती थी क्योंकि रात को ही सर्वर मतलब सर्वर चलता था और दिन में सर्वर डाउन रहता। लेकिन फॉर्म की डेट आगे बढ़ने से हमें एक सहूलत मिली थी, हम फॉर्म भर सकते हैं। ये थे हमारे साथ ही विद्यार्थी, लेकिन इनकी एक मांग अभी भी अधूरी है। इनका कहना है कि जो इनमें भेदभाव किया गया है, समानता जो पुरुषों के साथ नहीं दी गई है वो भी होनी चाहिए और उस पर भी राज्य सरकार ने दखल लेना चाहिए और इनकी ये मांग को भी पूरा करना चाहिए। एमकेएन न्यूज के लिए मैं शाहिद इकबाल, अकोला। तस्वीरों में हमने देखा कि किस प्रकार जो है युवतियों में उत्साह देखने को मिला, क्योंकि दो दिन पहले ये काफी ज्यादा कह सकते हैं कि काफी ज्यादा निराश थी ये युवतियां, क्योंकि इनके भर्ती फॉर्म की तारीख जो है आज उसकी लास्ट डेट होनी थी और ऐसे में सर्वर डाउन के चलते उनके फॉर्म में फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने आत्महत्या तक की बात कह दी थी। और आज जो है अब क्योंकि उसकी तारीख बढ़ चुकी है, फॉर्म भरने की तारीख 15 दिसंबर तक हो गई है, तो युवतियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अकोला से हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, तस्वीरों में हमने देखा कि युवतियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, 30 तारीख की जो डेट थी अब बढ़कर 15 हो गई है। जी अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि दो दिन पहले हमने ये खबर बताई है कि अकोला ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर की, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से लगभग 30-40% लोगों ने ही ये फॉर्म भरे थे और बड़े आस सभी को लगी हुई थी क्योंकि काफी दिनों बाद ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया हो रही है। इसको लेकर लोग काफी खासा उत्साह विद्यार्थियों में, प्रशिक्षणार्थियों में दिख रहा है और उन्होंने काफी मेहनत इसके लिए की है, काफी तैयारियां की है, लेकिन जब सर्वर डाउन होने की वजह से इनके फॉर्म नहीं एक्सेप्ट हो रहे थे तो इनमें बहुत ज्यादा फिक्र हो गई थी और इनके सपने कहीं ना कहीं इनको टूटते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर काफी आक्रोश था। इन्होंने एमकेएन न्यूज से संपर्क साधा, जिसके बाद हमारे चैनल के एमकेएन के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमने इस खबर को उजागर किया और इसकी दखल उप मुख्यमंत्री ने ली है और गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने इसके आदेश दिए है कि 15 दिसंबर तक इस तारीख आगे बढ़ाया जाए ताकि सभी इसमें फॉर्म को भर सके और जो भी भाग्य का क्या फैसला हो वो सभी सबको इसका मिल सके। जी बिल्कुल, और हमारे चैनल के जरिए जो है
युवतियों की बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई है। और इसी बीच हमने सुना कि एक और जो है परेशानी, एक और शिकायत है युवतियों को, भेदभाव को लेकर जो बात उठाई है युवतियों ने, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि अब उसमें क्या हो सकता है आगे। देखिए, उसमें उनका ये भी कहना है कि जहाँ पुरुष वर्ग को ये 4 फॉर्म भरने की जो अनुमति दी गई है, जिसमें GRP का फॉर्म है, SRP का फॉर्म है, ड्राइवर का फॉर्म है, पुलिस सिपाही का, तो युवतियों का कहना यही है कि एक तरफ तो देश में नारियों को समानता देने की बात कही जा रही है, लेकिन ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि सिर्फ इस पुलिस भर्ती वर्ग में सिर्फ एक फॉर्म भरने की इजाज़त महिला वर्ग को दी गई है। इसको लेकर भी काफी आक्रोश युवतियों में नजर आ रहा है और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव का मामला महिलाओं के साथ हो रहा है और इसे भी राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इन्हें भी 4 फॉर्म भरने की इजाजत देनी चाहिए। जी बिल्कुल, और हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, नियुक्तियों की जो भी परेशानी, हमारा प्रयास यही है कि इनकी परेशानी है जो है वो आगे तक जाए, प्रशासन तक पहुंचे, और हमें ये उम्मीद है कि इनकी ये जो भेदभाव वाली शिकायत है वो भी जल्द से जल्द प्रशासन इसका समाधान करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने आपको खबर बताई महाराष्ट्र से, जहां युवतियां बीते दिनों बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। बता दें कि 2 दिन पहले अकोला में पुलिस भर्ती फॉर्म भरने को लेकर दिक्कतों के चलते युवतियां परेशान थी और इस खबर को MKN न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया, जिस पर जो है प्रशासन भी अलर्ट हुआ, गृह मंत्री अलर्ट हुए और उन्होंने फॉर्म की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह, किस प्रकार की उमंग इन युवतियों के चेहरे पर दिख रही है।